गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफाई पीजे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग सा फेस पैक। दोस्तों, सच में ये फेस पैक जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और इसके काफी ज्यादा फायदे हैं हमारे फेस के लिए। आज का जो मैं फेस पैक बनाने वाली हूँ वो है स्ट्रॉबेरी का फेस पैक। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी जो होती है वो हमारे चेहरे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रीडियंट्स की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में मूव ऑन करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि ये 3 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। सो गाइस, हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स है स्ट्रॉबेरी, दूसरा इंग्रेडिएंट्स है गुलाब का पाउडर और हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट्स है चावल का आटा। दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं कि ये फेस पैक हमें कैसे तैयार करना है। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ 2 स्ट्रॉबेरी लेनी है, एकदम फ्रेश आपको स्ट्रॉबेरी ले लेनी है। इसके बाद आपको उसकी प्यूरी तैयार कर लेनी है। आप चाहे तो आप इसे अच्छे से मैश कर लीजिए या इसे कद्दूकस करके या इसे मिक्स में भी पीस के इसकी प्यूरी आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें काफी सारे विटामिन होते हैं जो हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच रोज पाउडर। दोस्तों, जो गुलाब के पंखुड़ियों का पाउडर है वो हमारे फेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चावल का आटा। मैं यहाँ पे को 2 चम्मच चावल का आटा इसमें ऐड कर रही हूँ। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको इसमें पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रॉबेरी में काफी ज्यादा रस होता है, तो ये आप इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे तो ये आपका एक अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी ऐड नहीं करा है, फिर भी ये बहुत अच्छा फेस पैक मेरे फेस पे लगाने के लिए एकदम तैयार हो गया है। आपका फेस पैक ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। नॉर्मल आप फेस पैक अपने जो आप अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कर सके वैसे तैयार कर लीजिए। अब ये हमारे चेहरे पर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देख लेते हैं इसे अपने फेस पर हमें कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अब मैं इसे अपने चेहरे पर ब्रश से अप्लाई करूंगी। आप चाहे तो आप फिंगर के हेल्प से भी इसे अपने चेहरे पर अच्छे से लगा सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। यह हमारे स्किन में, अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ढीली हो गई है तो यह आपकी स्किन में कसाव लाएगी, आपकी टैनिंग को रिमूव करेगी और आपके चेहरे पे एकदम चमक लाएगी। इसके बाद मैंने जो इसमें रोज़ पाउडर ऐड किया है, दोस्तों रोज़ पाउडर हमारी स्किन के जो कालापन होता है उसे दूर करता है। कई कई को आपने देखा होगा आपके होठों के चारों ओर या आँखों के चारों कालापन जम जाता है, तो ये आप अगर फेस पैक इस्तेमाल करेंगे तो ये उसे अच्छे से रिमूव कर देगा। और दोस्तों, चावल का जो आटा होता है वो हमारी डेड स्किन को रिमूव करेगा, साथ ही में हमारी स्किन की टैनिंग को तो दूर करेगा ही किस करेगा, साथ में हमारे चेहरे में निखार लाने के लिए भी बहुत ही अच्छी जो चावल का आटा माना जाता है। तो आप इसे अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लीजिए और इसको एक अच्छी सी लेयर अपने चेहरे पर अप्लाई करिए। यह हमारे चेहरे पे एकदम इंस्टेंट सा फर्क देगा। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसके पहले इस्तेमाल से आपको पता चल जाएगा कि इससे आपका फेस कितना ज़्यादा अच्छा हो गया, खिला खिला हो गया है और आपकी जो मुरझाई सी स्किन है वो एकदम चमक उठेगी, दमक उठेगी। तो दोस्तों, इसको अच्छे से लगा के आप इसे कम से कम 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद आप अपना जो फेस है वो ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। सो गाइस, 20 मिनट हो गए हैं और मेरा फेस पैक सूख के एकदम तैयार हो गया है। अब मैं इसे ठंडे ठंडे पानी से वॉश कर लूंगी। सो मैंने यहाँ अपना फेस वॉश कर लिया है। अब मैं इसे हल्के हाथों से पैट ड्राई कर लूंगी। आप अपना चेहरा कभी भी तेज रगड़ के मत पूछिए, हल्के हाथों से अपने चेहरे को पैट ड्राई करिए और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा चमक रही है, ग्लो कर रही है। तो ये फेस पैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट ब्यूटी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।